हे गाइस, आज मैं एक नया रेसिपी लेकर आया हूँ, मालपुआ। जैसे आप देख सकते हो कि मैं मालपुए का घोल तैयार करके रखा हूँ। तो पहले आपको बता दो दोस्तों, मैंने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और मैदा लिया है, और इसमें मैंने ड्राई फ्रूट जैसे काजू, किशमिश, आप छुहेड़ा भी क्रश करके डाल सकते हो। तो ये क्वान्टिटी आप पर डिपेंड करेगा, आप कितना खाना चाहते हो इसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। जैसे कि एक चम्मच आप इसमें थोड़ा सा घी भी डाल देना। अब कढ़ाई में हमने रिफाइन तेल ले लिया है। रिफाइन जो भी आप खाते हो, जो जिसका पसंद हो आप वो रिफाइन ले सकते हो। अब रिफाइन को मैंने चूल्हे पर चढ़ा के इसको गर्म करना है। अब देखो, ये जो मालपुआ का जो घोल तैयार किया गया है, इसको अच्छे से तरह से मिलाया जा रहा है ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको भी दोस्तों ऐसी तरह मिला लेना है। अब देखो, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इस घोल को इसी तरह मिलाते रहना है हल्के हल्के, ताकि आपस में ये घोल तक चिपके ना। देखो, आपको अच्छे से ऐसे मिलाते रहना है। अब थोड़ा सा लेकर आप चेक कर सकते हैं कढ़ाई में डाल करके कि आपका तेल अच्छी तरह से पका है कि नहीं पका है। तो ये देखो, तेल अच्छे से पक गया है। अब जो घोल बनाया था, इसे कप की मदद से या आप डायरेक्ट चलचुल की मदद से इसमें डाल सकते हो। देखो, इस तरह से डालना है तेल में। सॉरी दोस्तों, मैं एक बात भूल गया था, इसमें आपको चीनी का यूज़ करना। चीनी अगर आपको पसंद नहीं हो तो आप गुड़ का भी बना सकते हो। ये देखो, ये पूरी के जैसा फूल रहा है। इसको आपको इस तरह से पलटते रहना है। ये देखो, बहुत अच्छा मालपुआ बनने वाला है। और मीठा अगर आप ज़्यादा खाते तो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मीठा डाल सकते हैं, चीनी या गुड़ भी यूज कर सकते हैं, या जब घोल तैयार करते उसी टाइम डालना होता है। यह ये देखो, कितनी अच्छी तरह से ये बनकर मालपुआ तैयार हो रहा है। अब इसे उलट पुलट करके पकाते रहना है। देखो, इसका कलर चेंज हो रहा है, यह लाल हो रहा है धीरे धीरे। अब फाइनली यह देखो, कलर चेंज हो चुका है, मतलब यह पक गया है पूरी तरह से। अब फाइनली दोस्तों, इसे हम बाहर निकाल लेंगे। ये देखो, गर्मा गर्म मालपुआ तैयार होकर पक गया। देखो, कितना सुंदर और कितना स्वादिष्ट यह मालपुआ लग रहा है दोस्तों।